हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मेरा नाम है समीर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपकमिंग स्मार्टफोनों के जो नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं लॉन्च होते हुए। तो आप लोग देख रहे हो एंड्रॉयड गेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले स्मार्टफोन की बात करें तो पोको वालों ने टीज़र लॉन्च कर दिया है। वो इंडिया के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर पोको M3 को। तो पोको M3 अगर आपको जानना है किस टाइप का फ़ोन हैगा, तो आप लोग जो हैगा रेडमी नोट 9 पावर को देख सकते हैंगे, रेडमी 9 पावर को देख सकते हैंगे। सेम वही स्मार्टफोन का आपको बैक चेंज होते हुए रीब्रांडिंग के साथ जो हैगा पोको की ब्रांडिंग के साथ देखने को मिल सकता है पोको M3। तो ये स्मार्टफोन आप बाय कर सकते हैं अगर ये अच्छी प्राइसिंग के अंदर लॉन्च होता है। अगर ये 10,000 के अंदर लॉन्च होता है तो आप लोग इस फ़ोन को बहुत ही आराम से बाय कर सकते हैं, मगर 10,000 के अबव ये स्मार्टफोन बाय करने के लायक नहीं आएगा 2021 के अंदर। और अब रियलमी की बात करें तो रियलमी ने फ्लिपकार्ट पे भी टीज़र डाल दिया। और काफ़ी टाइम से माधव शेठ जो हैगा ट्विटर पे अपने ट्वीट कर रहे हैं एक्स सीरीज से रिलेटेड। तो एक्स सीरीज के अंदर आपको जो हैगा एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है और एक मिड रेंज के अंदर एक स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है जो हो सकता है जो हैगा 5G सपोर्ट करे, क्योंकि वो 5G को भी उसके साथ काफ़ी टीज कर देंगे। और सुनने में आ रहा है जो इंडिया में लॉन्च होगा वो चाइना के अंदर जो हैगा X50 5G करके शायद लॉन्च हुआ था, वही लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में X7 सीरीज़ के अंदर इंडिया में। इसके अंदर आपको MediaTek का जो हैगा 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिस और बाकी फीचर तो आपको जो हैगा लॉन्च के टाइम ही पता चल जाएंगे और जब इसकी प्राइसिंग आएगी। रियलमी की बात कर रहे हैं तो रेडमी की बात भी कर ही ले, तो रेडमी में आपको जो हैगा नोट सीरीज लॉन्च होती हुई मिलेगी जो हैगा फेब के अंदर। उसके साथ आपको रेडमी नोट 10 सीरीज़ देखने को मिलेगी। अब ये जो हैगा चाइना के अंदर पहले ही लॉन्च हो चुकी हैगी रेडमी नोट 9 5G के नाम से। अब इसके अंदर देखना ये हैगा इसमें क्या क्या ये चेंजेस करके लाते हैंगे इंडिया के हिसाब से, क्योंकि रेडमी वाले कहते हैंगे चाइना से हम लोग काफ़ी डिफरेंट रखते हैंगे अपनी मार्केट को इंडिया में। और सुनने में ये भी आ रहा है कि रेडमी कंपनी जो हैगा नोट सीरीज़ के बाद काफ़ी सारे स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाले होंगे अपनी 10 सीरीज़ के अंदर। और अब आप लोगों को एक और कंपनी की बात कर लूँ तो सुनने में आ रहा है कि नोकिया कंपनी भी जो हैगा स्मार्टफोन अपने लॉन्च करने पे रहेगी। तो वो कौन से स्मार्टफोन अभी वो लॉन्च करेंगे तो ये इस बात तो कंफर्म नहीं आएगी, मगर नोकिया भी अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती हैगी। मगर ये जो हैगा ग्लोबल लॉन्च होएगा क्या सेपरेटली इंडियन लॉन्च होएगा इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। आप लोगों को कुछ छोटी मोटी कंपनी के बारे में बता दूं जिनके स्मार्टफोन सेल तो हो जाते हैंगे, मगर मैं उन कंपनियों के स्मार्टफोन आपको बाय करने को कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों को उन कंपनी के अंदर जो हैगा काफ़ी क्लीन यूआई देखने को नहीं मिलता है, मैं ऐसे कह लूँ। और आपको थोड़ी आफ्टर सेल सर्विस में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैगी। उसमें से एक कंपनी आती है आपकी इन्फिनिक्स, उसके बाद आती है टेक्नो। और ये कंपनियां ऑफलाइन में तो काफ़ी ज़्यादा चलती हैंगी, तो पता नहीं इनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी हैगी, मगर इनका यूआई तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये अगर क्लीन यूआई थोड़ा देने लगे अपने स्मार्टफोनों के अंदर तो मैं इन कंपनियों के स्मार्टफोनों को सजेस्ट कर सकता हूँ दूसरे लोगों को। और आप उन कंपनियों की बात कर लें जिनके अंदर आपको जो हैगा प्रोसेसर थोड़ा वीक देखने को मिल जाता है, मगर बाकी चीज़ों में उनके स्मार्टफोन आपको ये रेडमी और जो हैगा रेडमी के स्मार्टफोनों से बेहतर देखने को मिल जाते हैं। वो कंपनी है कि आपकी जो हैगा ओप्पो और वीवो। इन कंपनीज़ के भी आपको जो हैगा 5G डिवाइस इंडिया के अंदर फेब कैम के अंदर लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैंगे। और सैमसंग भी इनके ही साथ साथ अपने जो हैगा एम सीरीज़ और ए सीरीज़ के स्मार्टफोन इंडिया के अंदर हो सकता है लॉन्च कर दे, जो 4G और 5G दोनों ही सपोर्ट करते हो। सैमसंग की लिस्ट काफ़ी लंबी है कि तो मैं आप लोगों को इसमें ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, जब वो स्मार्टफोन लॉन्च होंगे तो आप लोगों को मैं बता दूंगा कौन कौन से स्मार्टफोन सैमसंग लॉन्च करने वाला है। फिलहाल मैं ये बता सकता हूँ आपको एम सीरीज़ के अंदर एक टैबलेट भी देखने को मिल सकता है जिसका नाम M62 हो सकता है। और यही कुछ स्मार्टफोन थे जो नेक्स्ट मंथ में हो सकते हैं लॉन्च हों, क्या उसके फेब के बाद लॉन्च होते हुए आपको देखने को मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी मेरी जो हैगा यूआई के ऊपर स्मार्टफोनों के, मैं स्मार्टफोन के यूआई को इतना ज़्यादा मैटर क्यों देता हूँ। और आप लोग देख रहे थे एंड्रॉयड गेट और मेरा नाम है समीर। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिंडल बाय।